तो पहले एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि इस तरह से हम नंबर्स पे चार्ट करते हैं। अब इसका दूसरा एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 50% हमारा है या 30% है, जो भी परसेंट हो हम परसेंट लेते हैं। यहाँ पे 100% और इसके बगल में भी हम 100% लेते हैं और नीचे भी 100% ले लेते हैं। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करके इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में लेते हैं अपना कॉलम चार्ट। ओके अब क्या है कि इनको सिलेक्ट करके इसकी जो फॉर्मेट है इसमें जो ओवरलैप है ओवरलैप को पूरा एक कर देना, मतलब एक के ऊपर एक एक चल जाना चाहिए। उसके बाद मैं इस वाले पोर्शन को डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे वन के यहाँ वन कर दूंगा तो अंदर वाला सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी सिलेक्ट करके मैं नीचे की तरफ कर दूंगा। फिर इसको जो नंबर्स हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, साथ में इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ जो आ रहा है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। चार्ट टाइटल भी इसमें रखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस जो ऊपर सेलेक्ट किया है इसको राइट क्लिक फॉर्मेट सेल में ही आता हूँ और यहाँ देखता हूँ यहाँ पे एक्सेस पे नहीं, एक्सेस तो डिलीट हो चुका है तो रहने दीजिए, एक्सेस की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ लेकिन इसमें उतना फायदे वाली चीज़ हुई नहीं है। तो चलिए इसको और थोड़ा सा फायदे वाली चीज़ हम मैंने कि और ज़्यादा इंट्रैक्टिव बनाता हूँ मैं इसको। उसके लिए हमें थोड़ा सा मदद लेना होगा सैप। तो इंसर्ट मैं शैप को सेलेक्ट करता हूँ। शैप में बहुत सारे शैप्स हैं लेकिन मैं इस वाले शैप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्यूब चार्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं। और मैं इसको लाइन इसकी कलर क्या कर देता हूँ रेड, लेकिन इसकी जो आउटलाइन है उसको कर देता हूँ ब्लैक। और इसी की एक कॉपी बनाता हूँ, इसका जो है आउटलाइन लेता हूँ रेड जिस जो है वो, और कलर जो कर देता हूँ वो कर देता हूँ नो फिल। ओके नो फिल कर दिया। और इसकी जो विड्थ है थोड़ा सा मैं मोटा कर लेता हूँ, बेटर रहेगा पहले से। अब इस वाले को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ जो बड़ा वाला है उस पर करते हैं फॉर्मेट डेटा पॉइंट। और इसकी फिल में पिक्चर्स और इसको क्लिपबोर्ड से ले लेते हैं। ओके अब जो हमारा कलर वाला था इसको कॉपी करते हैं और जो ये बाहर जो ब्लैंक है एज है छोटा वाला एरिया उसको सेलेक्ट करते हैं, फिल में जाते हैं और इसको पिक्चर्स क्लिपबोर्ड। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके करता हूँ ऐड डेटा लेवल। और ये नंबर को आप थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है अब यहाँ पे 70%। अब मैं कहीं और इसको लिंक कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे 50% यहाँ परसेंट का सैंपल डालता हूँ 50%। परसेंट का सैंपल 50% और इसको जो है हम लिंक कर रहे हैं। जो टेक्स्ट कलर है इस टेक्स्ट कलर का है कॉलम को हाइड ही कर दीजिए, नहीं हाइड करने में दिक्कत होगा। अगर इसको हाइड कर देते हैं तो आपका डेटा नहीं दिखेगा क्योंकि तो चार्ट उसी डेटा को देखता है जो विजुअल है। तो हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करके इसकी जो
फॉन्ट कलर है उसको वाइट कर। सर मजेदार चीज, काफी अच्छा लग रहा है सर ये। लेकिन इसमें दिक्कत है, जैसे मान लीजिए मैं 80% कर रहा हूँ, 90% कर रहा हूँ, तो कम गया ना, ऐसा क्यों हुआ? 90% ऐसा है, इसीलिए हमें एलिमेंट ऐड करके देखना होगा एक्स, यहाँ पे एक्सेस। तो क्या होता है, ये एक्सेस हमारा ऑटो है, तो जैसे आपका नंबर बढ़ता है एक्सेस भी अपने आप को इंक्रीज कर देता है। तो हमें क्या करना है, इसकी एक्सिस को फॉर्मेट में आके हमें यहाँ पे मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100 कर देना है। 100 मतलब कि 1, समझे? और उसके बाद फिर प्लस में इसको हम एक्सिस एक्सिस को हटा देते हैं, अब चेंज नहीं हो, समझे? सर ये एक्सिस का नहीं समझ में आया, मैक्सिमम 1 क्यों लिया? 100% के लिए मैक्सिमम हमने बन दिया, नहीं समझे? अच्छा। जैसे एक्सेस ऑटो ऑटो पे होता है ना, तो डेटा के अकॉर्डिंग वो बढ़ते जाता है, मतलब ये जो डेटा आपका है उससे 10 या 15% अपने आप अप चला जाता है, समझे? हाँ। तो मैंने वहां पे जाके फिक्स कर दिया कि भाई 1 हो, मतलब कि एक्सेल में तो 100% इक्वल टू 1 ही होता है ना, तो 1। ओके ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया। और सर इसमें जो 63% है, जैसे आप 63 लिख रहे हो तो वो नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो ये परसेंट भी ऊपर नीचे जा रहा है जबकि ये टेक्स्ट बॉक्स ही है, तो वो कैसे? टेक्स्ट बॉक्स नहीं है सर, हमने इसको डेटा लेबल ऐड किया ना, ऐड डेटा लेबल। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसकी वजह से वो ऊपर नीचे जा रहा है। जी ओके। ऐसे आप बियर की ग्लास वगैरह जो होती है उसमें भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे होती है, बैटरी वगैरह, पेंसिल बैटरी, बैटरी की टाइप कर सकते हैं कि यार बैटरी की तरह हो। ये वाला काफी अच्छा लग रहा है सर। ठीक है, तो बैटरी वगैरह कर सकते हैं, इमेज डाल के और इमेज को फिल कर सकते हैं। समझ में आ गया? जी सर। अब बात करते हैं मेल फीमेल चार्ट। ये मेल चार्ट हमारा हो गया, मतलब मान लीजिए कि मेल हमारा 100 है और यहाँ पे फीमेल जो है, फीमेल मान लीजिए 95, तो मुझे इसको मेल फीमेल चार्ट में शो करना है, कैसे करें? देखिए इसके लिए आपको थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी पावर पॉइंट, तब बात करेंगे अगली एग्जांपल में इसको।